सो नाउ गाइस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का जो आगे का कंटिन्यूशन था पार्ट का, उसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे सर्कल वगैरह अगर बना है या सेमी सर्कल बना है तो आइसोमेट्रिक में वो व्यू चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है वो देखिए। यहाँ बना है, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, कुछ डायमीटर दिया होगा सर्कल का, आप सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, फिर सर्कल को एक डब्बे के अंदर बंद कर लेंगे, स्क्वायर बन जाएगा वो। ठीक, अब ये बन गया स्क्वायर। अब आपको अगर एलिप्स बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए दो तरीका होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। एक 30-30 डिग्री का बॉक्स बनता है और एक 30-90 डिग्री का बॉक्स बनता है। ठीक है, तो अब क्या है, 30-30 का अगर मैंने बॉक्स बना लिया तो ये पॉइंट वन को मैं यहाँ लिख दिया, वन से टू मेज़र करूँगा ये 30 डिग्री एंगल वाली लाइन पे काटूँगा, वन से फोर मेज़र करूँगा ये 30 डिग्री एंगल वाली लाइन पे काट दूँगा, फिर फोर से थ्री, टू से वन मेज़र करूँगा, फोर से थ्री, टू से थ्री का आर्क काटूँगा, थ्री पॉइंट मिल जाएगा। ये बन गया। अब ये स्क्वायर जो बना, इसका सेंटर जोड़ के, इसका सेंटर जोड़ के ये दो पॉइंट मिल जाएगा। आप चाहो तो ये भी जोड़ सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब ये सेंटर जो बना, अब देखिए कैसे सिंपल एकदम, जो आपको सेंटर मिला ये ए बी सी और डी, ठीक है, तो ये जो वन वाला पॉइंट है उसको राउंड, वहाँ पे आप राउंडर रखेंगे और वन से रख के सी तक रेडियस लेंगे और ये आर्क घुमा देंगे। सिमिलरली थ्री पे आप राउंडर रखेंगे, डी तक रेडियस लेंगे और ये वाला आर्क घुमा देंगे। ठीक है, ये आधा एलिप्स का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये जो सेंटर कटा है इसको वन से जोड़ो, सी वन बी वन, सिमिलरली डी थ्री ए थ्री, ये जोड़ दोगे तो ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में यहाँ इंटरसेक्ट की, ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट की, तो ये P और Q पॉइंट मिल गया आपको। अब P पे राउंडर रखोगे, D तक रेडियस लोगे, ये वाला आर्क घुमा दोगे, Q पे राउंडर रखोगे, A तक रेडियस लोगे, ये वाला आर्क घुमा दोगे। ये बन गया एलिप्स आपका। ठीक, सिमिलरली वापस आते हैं 30-90 वाले में, 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन और 90 डिग्री की लाइन बना लिए, वन पॉइंट को मान लिया इधर, वन से टू मेज़र किया, वन से टू बना लिया, वन से फोर मेज़र किया, वन से फोर बना लिया, फिर फोर से थ्री का आर्क, टू से थ्री का आर्क मेज़र किया, फोर से थ्री, टू से थ्री काट दिया, थ्री पॉइंट मिल गया। ये बन गया मेरा स्क्वायर। सेंटर पॉइंट को जोड़ लो तो ए बी सी डी मिल गया आपको, वन टू थ्री फोर भी मिल गया, ए बी सी डी भी मिल गया। अब डी से टू और सी से टू को जोड़ोगे, सिमिलरली फोर से बी और फोर से ए को जोड़ोगे, तो फोर ए वाला लाइन और डी टू वाला लाइन जहाँ मिल गया वो पी पॉइंट मिल गया आपको। सिमिलरली 4B वाला लाइन और 2C वाला लाइन जहाँ मिल गया वो पॉइंट Q मिल गया आपको। आपको पता ही है, 2 पे रखो D तक रेडियस लो, ये वाला आर्क बनाओ, 4 पे रखो A तक रेडियस लो, ये वाला आर्क बनाओ, P पे रखो A तक रेडियस लो, ये वाला आर्क बनाओ, Q पे रखो B तक रेडियस लो, ये वाला आर्क बनाओ। ये बन गया आपका एलिप्स। ठीक है, अब सेमी सर्कल अगर बनाना है तो ये सर्कल आधा है, इसको रेक्टेंगल में बंद कर लिया अपन ने। अब 30-90 वाला अगर बनाना है तो ये 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन, ये 90 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बना लिया। ठीक है, अब ये वन से टू का मेज़र किया, वन से टू काट दिया, वन से फोर मेज़र किया, वन से फोर काट दिया, सिमिलरली फोर से थ्री, टू से थ्री मेज़र किया, फोर से थ्री, टू से थ्री काट दिया, रेक्टेंगल बन गया। वन से फाइव मेज़र किया, वन से फाइव बना दिया, फोर से सिक्स मेज़र किया, फोर से सिक्स बना दिया, फाइव सिक्स को जोड़ दिया। अब क्या करूँगा, ये टू थ्री जितना बना था ऊपर उतना ही नीचे बनाऊँगा, तो टू थ्री ऊपर था उतना मेज़र करके टू पर रख के नीचे थ्री डैश बना दूंगा, ये वाला और ये वाला सेम लेंथ। ये बन गया। अब ये थ्री डैश को मैं सिक्स से जोड़ दूंगा और फाइव को थ्री से जोड़ दूंगा, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट पी आएगा। पी पे राउंडर रखूंगा, सिक्स तक रेडियस लूंगा, ये वाला आर्क बना दूंगा, और थ्री डैश पे राउंडर रखूंगा, वन तक रेडियस लूंगा, ये वाला आर्क बना दूंगा। ये बन गया मेरा सेमी सर्कल। सिमिलरली ये 30-30 में भी ऐसे करना है, 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन बनाया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रेक्टेंगल से मेज़र करके बना लिए। अब वन से फोर जितना था उतने नीचे बना लिया, फोर डबल डैश आ गया, फोर डबल डैश से सिक्स को जोड़ दिया और फाइव से फोर को जोड़ दिया, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हुआ पॉइंट पी आ गया। पी पे राउंडर रखा, सिक्स तक रेडियस लिया, ये वाला आर्क घुमा दिया, और वन पे राउंडर रखा, टू तक रेडियस लिए, फोर डबल डैश पे राउंडर रखा, टू तक रेडियस लिया, ये वाला आर्क घुमा दिया, पी पे राउंडर रखा, वन तक रेडियस लिया, ये वाला आर्क घुमा दिया। बन गया सेमी सर्कल। तो एलिप्स और सेमी सर्कल को ऐसे बनाना है। तो अब इसी के बेस पे अपन सिलेंडर का कोन का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा।